जो स्टेशन पे रुकने का बात नहीं है, उस स्टेशन पे भी रुक रहा है ट्रेन भाई, इतना ज़्यादा लेट कर दिया है। तो अभी हम लोग फरक्का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। मेरा मिठाई यहाँ का मालदा का फेमस। तो हम लोग का खाना यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो मेनली जो ट्रेन आप लोग देख रहे हो, हफ्ते में 3 दिन चलता है, इसलिए आप लोग देख सकते हो कोलकाता हल्दीबाड़ी टी वीकली यहाँ पर ट्रेन है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ फिर से एक नए मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में। तो आप लोगों को मैं कहा था पिछले वीडियो में, ओनरशिप रिव्यू वीडियो में, एक नया मज़ेदार वीडियो चैनल पे आने वाला है, एक नया ब्लॉग, नया कॉन्टेंट मेरे चैनल पर आने वाला है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड अभी सुबह का बज रहा है 5, हम लोग का निकलने का बात है 5:30 बजे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को थंबनेल टाइटल देकर पता चल ही चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हम लोग आज जर्नी करने वाले हैं जलपाईगुड़ी टू कोलकाता, एक शादी अटेंड करने के लिए मेनली हम लोग जा रहे हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा घूमेंगे एंड बहुत ही मज़ा मस्ती होगा। एक सीरीज होने वाला है 1 हफ्ते का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है चैनल पे। एंड उसके साथ अभी तो मैं निकलने वाला हूँ, अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ हूँ एंड 5 बज चुका है। तो इसलिए पहले रेडी होकर आता हूँ फिर आप लोगों के साथ बात करता हूँ, क्योंकि नहीं तो निकलने में लेट हो जाएगा। सो वेट। सो मैं यहाँ पर फाइनली रेडी होकर आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरा फाइनली बैकपैक रेडी हो चुका है, मैं भी फाइनली यहाँ पर रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। एंड एक मज़ेदार मतलब ट्रैवलिंग होने वाला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवलिंग मैं करने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ कौन कौन ट्रैवलिंग करेगा, पहले तो शुभम भैया, देन रुद्र भैया एंड मोदी जी, जो 3 पर्सन है वो आप लोगों को पहले ही मेरा चैनल पे वीडियो पे देखने को मिल चुका है। मतलब मेनली इन लोगों के साथ ही मैं राइडिंग करता हूँ। सो इन लोगों के साथ ही मैं आज ट्रैवलिंग करूँगा, वो भी जनरल कंपार्टमेंट में। देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस आता है, क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मतलब ट्रेन पर ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। सो लेट्स गो फॉर ए न्यू राइड, नहीं ट्रैवलिंग। ओके सो वेट, निकलने के समय बात करता हूँ। तो ये नया बैग है जो मैं खरीदा हूँ, ये लगेगा इसके अंदर मैं पर्स सब ले चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ले चुका हूँ। एंड यहाँ पर मेरा फ़ोन भी चार्ज करना हो चुका है, नहीं जो केट का जो माइक्रोफोन है इसको मैं लगाऊंगा। सो चलो निकलता हूँ अभी एंड बाय बाय, 1 हफ्ता बाद मुलाकात होगी। तो बाहर का आप लोग एक बार वेदर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन यहाँ पर फॉगी वेदर उतना ज़्यादा नहीं है। सामने पापा यहाँ पर मुझे दे आएगा बस स्टैंड, ओके, क्योंकि अभी टोटो नहीं है इतना सुबह सुबह। सो चलो निकलता हूँ एंड बस स्टैंड पे जाकर बात करता हूँ आप लोग के साथ। सो फाइनली सब लोग आ चुका है चंडीगढ़ बस स्टैंड, पीछे आप लोग फॉगी वेदर देख सकते हो एंड सब लोग आ चुका है एंड एक एक्साइटेड जर्नी के लिए सब लोग रेडी है एकदम। आज आएगा मजा। ये जो पार्ट होगा ना बहुत बढ़िया पार्ट होगा भाई, देखते रहो, 1 हफ्ते लगा के देखते रहो। तो 1 हफ्ते का जर्नी होने वाला है, तो जलपाईगुड़ी टू कोलकाता एंड कोलकाता से अगर होगा तो दीघा भी होगा, लेकिन सब कुछ आप लोग को बाद में वीडियो में पता चली जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग रेडी हो चुका है एंड बहुत जल्दी हम लोग आ चुके हैं एंड पीछे आप लोग वेदर देख सकते हो कितना फॉगी वेदर है। एंड भाई यहाँ पर 6:30 बज चुका है, तो 7 बजे बस है, तो हम लोग हल्दीबाड़ी बस पकड़े जाएंगे, जो उधर से जो सुपरफास्ट ट्रेन है उससे हम लोग जाएंगे कोलकाता। सो चलो निकलने समय बस जब छोड़ेगा देन थोड़ा सा चाय पीता हूँ, देन निकलने के समय बात करूँगा आप लोगों के साथ, ओके। सो पीछे आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुका है एंड फर्स्ट टाइम मैं माइक से वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैसा आ रहा है, नॉइज़ कैसा आ रहा है मुझे पता नहीं, बाद में एडिटिंग के समय पता चलेगा। सो पीछे आप लोग देख सकते हो सब लोग रेडी हो चुका है, तो चलो निकलने के समय बात करूँगा, ओके। एंड सब लोग एक्साइटेड है। यो यो ब्रो, यो यो यो, हाउ द जोश, हाय। सो फाइनली यहाँ पर बस आ चुका है, हरी हरी वाला बस। सो फाइनली यहाँ पर बस छोड़ दिया है एंड सब लोग यहाँ पर बैठ भी चुका है। सो चलो अभी इधर से निकलता हूँ एंड हल्दीबाड़ी पहुँच कर फिर आप लोग के साथ बात करता हूँ, ओके। एंड न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुका है फाइनली, हो गया एकदम भाई गजब होगा भाई, बहुत घूमने वाला कंटेंट आएगा, घूमने वाला कंटेंट आएगा। तो चलो हल्दीबाड़ी पहुँच के फिर आप लोग के साथ बात करता हूँ। तो फाइनली बस यहाँ पर छोड़ दिया, सामने जा भी। सो फाइनली हम लोग हल्दीबाड़ी पहुंच चुके हैं, अभी स्टेशन जाने के लिए यहाँ पर टोटो पकड़ना पड़ेगा। सो फाइनली स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जलपाईगुड़ी का टिकट यहाँ पर ले चुका हूँ। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हल्दीबाड़ी स्टेशन एंड पीछे जो आप लोग ट्रेन देख रहे हो उसी से हम लोग जाने वाला है। सो हम लोग जहाँ पर उतरेंगे वो है बर्धमान, कोलकाता से पहले हम लोग का स्टॉपेज आ जाएगा। सो कम से कम जो टाइम है इधर से निकलने के बाद है 8:30 बजे एंड बर्धमान
पहुंचने का बात है 5:30, तो देखता हूँ 10 ऑन टाइम छोड़ता है एंड पहुंचाता है कब। एंड ये जो आप लोग ट्रेन देख रहे हैं हम लोग का है 12363 डाउन 12364 जनरल कोच। सो आप लोग एक बार देख सकते हो हालात तो सब कुछ ठीक ही है। सो इसके लिए मेनली हम लोग हल्दीबाड़ी आए, इतना मतलब कम से कम 250 रुपये खर्चा करके इसके लिए। तो हम लोग ए सीट में बैठ जाएंगे एंड ये जो आप लोग देख रहे हो ये टोटल जनरल कंपार्टमेंट है। ओके तो देखता हूँ 8:30 निकलने का बात है एंड छोड़ता है कब। एंड इधर पानी भी है। सो मेनली जो ट्रेन आप लोग देख रहे हो हफ्ते में 3 दिन चलता है, इसलिए आप लोग देख सकते हो कोलकाता हल्दीबाड़ी वीकली यहाँ पर ट्रेन है। यहाँ पर आप लोगों को लोकोमोटिव देखने को मिलेगा, ये जो इलेक्ट्रिक है एंड सामने डीजल, ये इलेक्ट्रिक वाला जो है ना ये एनजीपी से हाँ कनेक्ट हो जाएगा। सो एकदम 8:30 ऑन टाइम खोल दिया है। सो फाइनली शुरू हो गया एक नया जर्नी वो भी कोलकाता के लिए, क्योंकि जो ट्रेन है इसका हॉल्ट बहुत ही कम है, टोटल 8 हॉल्ट है जलपाईगुड़ी लेके। एंड 5:30 6 बजे वर्धमान पहुँचने का बात है हम लोग का। सो देखता हूँ कितने बजे पहुँचाता है, ट्रेन लेट होता कि नहीं होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट जो हॉल्ट है जलपाईगुड़ी स्टेशन मेरा शहर, तो फाइनली जलपाईगुड़ी आ चुका है एंड कुछ मिनट पहले टीटी भी आया था, टिकट चेक किया। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। यानी यहाँ पर कैसे उठ रहा है क्योंकि मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए वॉइस नहीं आया था, तो इसलिए बाद में वॉइस में दे रहा हूँ। एंड कितना ज़्यादा एनजीपी में भीड़ आप लोग देख सकते हो ट्रेन के लिए, एंड कैसे रिस्क लेके इन लोग भाई कमाता है भाई, हैट्स ऑफ। सो हम लोग का आ चुका है चाय गर्मा गर्म। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है भाई एंड बहुत ही एक अच्छा ट्रेन, मतलब बुलेट ट्रेन, मिनी बुलेट, सेमी बुलेट आप लोग बोलो, जो है वंदे भारत वो भी देखने को मिल गया है। अभी तक जर्नी बहुत ही अच्छा चल रहा है। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग का खाना आ चुका है, हम लोग का खाना घर से लाया था हम। सो चलो थोड़ा सा पहले कुछ खाते हैं दिन पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है। यहाँ पर पूछो भाई। हाँ भाई बोलो, खाओ कुछ बोलो नहीं खाओ सिर्फ। तो हम लोग का खाना यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो चलो थोड़ा सा खा लेते हैं देन फिर आप लोगों के साथ बात करूँगा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मालदा। सो मालदा टाउन अभी हम लोग क्रॉस करेंगे एंड यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड है, तो देखता हूँ यहाँ पर कुछ मिलता है क्या खाने के लिए। 10 से 15 मिनट का डिले था ट्रेन, लेकिन ऑन टाइम अभी पहुंचा दिया है। इतना ज़्यादा भीड़ है देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिठाई यहाँ पर मिलता है। मिठाई बोले, रसगुल्ले, मिठाई बोले। सो हम लोग खाएंगे भूल कर ना। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। सो चलो मिठाई, यहाँ का मिठाई बहुत ही फेमस है तो वो खाना पड़ेगा, तो चलो। सो मिठाई तो मैं ले चुका हूँ। सो मेरा मिठाई यहाँ का मालदा का फेमस, तो चलो खाते हैं एंड कैसे टेस्ट है अभी बताऊंगा आप लोगों को। 30 रुपीज़ करके है 4 पीस। ओके बहुत ही टेस्ट है भाई, बहुत ही टेस्ट है।
सो फाइनली यहाँ पर जो मीठा रहता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मालदा का, तो वो खाने के बाद कम से कम 10 मिनट भी नहीं हुआ छोड़ दिया है ट्रेन। एंड इसके बाद बोलपुर शांतिनिकेतन आएगा। ओके सो देखता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज क्या होता है, क्योंकि इसका टोटल कुल 8 स्टॉपेज है। ओके एंड बराबर स्टेशन है सब। सो देखो ट्रेन जा रहा है एंड हम लोग भाई बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं अभी तक। एंड बहुत ज़्यादा मतलब जनरल कोच में इतना अच्छा सफ़र भाई मैं कभी भी देखा नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इतना अच्छा है जनरल में। पहले पहुँचूँगा, पहुँच के देन जो जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए वहाँ पर पहुँचूँगा, तो पार्ट वन जो ये वीडियो है ख़त्म हो जाएगा। ओके सो चलो खाना पीना हो गया, थोड़ा सा अभी रेस्ट करता हूँ, देन जहाँ पर होगा मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँगा नेक्स्ट स्टेशन। सो अभी हम लोग फरक्का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। सो एक बार आप लोग मौसम देख सकते हो कितना सुंदर रहीन मौसम है, कि पानी आप लोग देखो। अरे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, 5:30 बजे पहुंचने का टाइम है, तो कम से कम 2 यहाँ पर लग चुका है। एंड पानी का रफ्तार आप लोग देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। बर्धमान नहीं पहुंचे, बर्धमान से फिर एक लोकल ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा जहाँ पर खाने का प्रोग्राम होने वाला है। तो हम लोग बर्धमान उतरेंगे, उतर के लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो सामने जो ट्रेन पास हो रहा है पूरी का ट्रेन, पूरी कामाख्या पूरी, एंड एकदम ऑन टाइम में हम लोग को पहुँचाया भाई फरक्का। सो अभी हम लोग जो स्टेशन आया है वो है मुरारी, जो स्टेशन पे रुकने का बात नहीं है उस स्टेशन पे भी रुक रहा है ट्रेन भाई, इतना तो लेट कर दिया है। सो इतना मिनट वेट करने के बाद फाइनली छोड़ दिया है ट्रेन। एंड आप लोगों को एक अच्छा मतलब बहुत ही मज़ेदार व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू। एंड भाई ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई, जो फर्स्ट टाइम छोड़ा था तो मुझे लगा जल्दी पहुँच जाएंगे 5:30 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी कम से कम 7:30-8 बज जाएगा। तो देखता हूँ कितने बजे बर्धमान पहुँचता हूँ। सो अब तो 2 स्टेशन है, एक बोलपुर है और एक है रामपुर हाट, देन आएगा बर्धमान। देखता हूँ कितने जल्दी ट्रेन हम लोगों को पहुँचाता है बर्धमान ऑन टाइम या डिले तो होगा मुझे जितना पता है। सो एक बार आप लोग नज़ारा देख सकते हो, सनसेट सामने सनसेट हो रहा है एंड वाटर नज़ारा भाई कितना सुंदर लग रहा है। सो जो स्टेशन में रुकने का बात नहीं है वो स्टेशन में रुक रहा है ट्रेन भाई, क्या बोलूँ। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं छात्रा, यहाँ पर रुकने का नहीं बात था, तो यहाँ पर रुकने का नहीं बात था फिर भी यहाँ पर रुक रहा है भाई, इतना ज़्यादा लेट हो चुका है ट्रेन। कंचनजंगा जा रहा है इसलिए कंचनजंगा को पहले मतलब प्रायोरिटी दे रहा है यहाँ पर, एंड कंचनजंगा को पहले भेज रहा है, देन हम लोग का जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो खोल रहा है इधर से। मतलब सुबह 6 बजे निकला था कंचनजंगा, अभी भी हम लोग 9 बजे निकले जलपाईगुड़ी से, एंड कंचनजंगा 6 बजे जलपाईगुड़ी से निकला, लेकिन इतना ज़्यादा स्टॉपेज है कंचनजंगा का इसलिए हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है भाई परेशानी, इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है। क्योंकि अभी 5:30 बज चुका है, 5:30 बजे हम लोग का 15 मिनट बाद बर्धमान उतरने का बात था, लेकिन इतना ज़्यादा लेट किया है ट्रेन कंचनजंगा के लिए। हम लोग का अभी कितना बजे बर्धमान पहुँचाएगा ये ट्रेन क्या पता, तो अभी ट्रेन छोड़ेगा। सो ट्रेन यहाँ पर छोड़ दिया, तो चलो बैठता हूँ, यानी गेट को लगाना पड़ेगा क्योंकि ठंडा हवा आ रहा है इसलिए पैसेंजर को प्रॉब्लम होगा। तो चलो बैठता हूँ, जहाँ पर होगा आप लोगों के साथ बात कर लूँगा, एंड आज लेट होगा मुझे पता है भाई, और कितना लेट होगा भाई। रामपुर हाट जस्ट छोड़ा है एंड यहाँ पर कोई चेन खींचा है इसलिए स्टेशन से निकलते ही गाड़ी स्टॉप हो गया भाई, वैसे तो लेट हो गया और भी ज़्यादा लेट यहाँ पर हो रहा है भाई। तो फाइनली रामपुर स्टेशन से निकल चुका है, अभी भी बोलपुर स्टेशन बाकी है, देन आएगा बर्धमान। अभी बज रहा है 5:30 एंड 5:30 बजे हम लोग का बर्धमान उतरने का बात था, लेकिन आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लेट हो चुका है। तो फाइनली हम लोग बहुत मतलब बहुत कम से कम आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा लेट होने के बाद फाइनली यहाँ पर बोलपुर स्टेशन पहुँच चुका है भाई, हम लोग का लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद अगर कोई स्टॉपेज अगर नहीं दिया तो डायरेक्ट बर्धमान। उफ भाई अभी बज रहा है, आप लोग देख सकते हो अभी बज रहा है 6:30, हम लोग का ट्रेन 1.5 घंटा लेट है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बर्धमान, हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन, तो इधर से अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा।
देखता हूँ सराय घाट के लिए सब। चलो तो फाइनली हम लोग 2 घंटा लेट करके बर्धमान जंक्शन पहुंच चुके हैं। एंड भाई अभी हालत भाई बहुत ज्यादा खराब हो गया है। एंड कम से कम 2 घंटा भाई 2 घंटा डिले चल रहा है। तो चलो एंड अभी हम लोग को और एक ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी हम लोग भाग रहे हैं। एंड बहुत लेट कर दिया है, नहीं तो अभी तक तो हम लोग यहाँ पर जो शादी का घर है यहाँ पर हम लोग का जाने का बात है, वहाँ पर अभी तक हम लोग पहुँच जाते। लेकिन क्या बोलो 10 बाई 2 घंटा लेट। सो चलो ट्रेन पकड़ता हूँ, देन आप लोगों के साथ बात करता हूँ। ओके सो हम लोग का जो ट्रेन है गौनो देवता वो फाइनली आ चुका है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। भाई हालत खराब हो गया ट्रेन पकड़ते पकड़ते, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। ये ट्रेन से हम लोग को जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई स्टेशन बर्धमान जंक्शन। लास्ट ट्रेन है, दिन रिलैक्स मिलेगा भाई। उफ, 7:45 यहाँ पर बच चुका है एंड बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी तो खुला नहीं है। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। सो हम लोग आ चुके सेवरा पुली फेरी घाट। सो फाइनली ऐसा एक्सपीरियंस मेरा आज होने जा रहा है सेवरा पुली फेरी घाट। सो पहला एक्सपीरियंस मेरा भाई। सो चलो अभी बज रहा है 9:45 बज चुका है, तो 10:30 हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर, हम लोग आज रहेंगे। नया एक्सपीरियंस करना हो चुका है। सो फाइनली फेरी घाट का जो एक्सपीरियंस हो लेना हो चुका है, अभी जाऊंगा घर।